चीन और भारत के बीच में गतिरोध फिलहाल ऐसा है कि बस युद्ध नहीं हो रहा, बाकी युद्ध जैसा माहौल पूरी तरह बन चुका है। हालात बेहद खराब है, बातचीत जारी है लेकिन निष्कर्ष अभी तक कुछ खास नहीं निकल पाया। चीनी सेना पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब भारत ने भी चीन को आगाह कर दिया है क्योंकि भारत चीन पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करने वाला। क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद जिस तरह से चीन का रुख पूरी दुनिया के सामने आया है, उससे कुछ अन्य देशों को छोड़कर लगभग सभी देशों का मानना है कि चीन दोगुला है। उसके खाने के दांत और हैं और दिखाने के और। इसलिए अब भारत ने चीन से कहा है कि जब तक LAC के करीब आए उसके सैनिकों को नहीं हटाया जाता, तब तक भारतीय सेना भी एक इंच पीछे नहीं हटेगी। जानकारी के मुताबिक आर्मी यूनिट और एयरफोर्स तीन सेक्टर्स में पूरी तरह तैयार है। ये तीनों सेक्टर 3488 किलोमीटर में फैली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आते हैं। इसमें वेस्टर्न यानी कि लद्दाख, मिडिल यानी उत्तराखंड हिमाचल, ईस्टर्न सिक्किम अरुणाचल शामिल हैं। साथ ही साथ बातचीत और चीनी सैनिकों पर भारतीय सेना पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। नजर इस बात पर भी है कि अब चीनी सैनिक नए इलाके पर अपना हक जताने की कोशिश न करने लगे। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सेना ने चीन को दो टूक कहा है कि लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक हमारे सैनिक ऐसे ही तैयार रहेंगे। ये स्थिति तब तक ऐसी रहेगी जब तक चीन LAC के पास आई अपनी सेना को हटा नहीं लेता। ये सब तभी किया गया जब देखा गया कि लद्दाख में चीनी गतिविधियां बढ़ गई हैं, क्योंकि चीन पेंगोंग त्सो झील, गलवान घाटी जैसे इलाकों में अपनी गतिविधियां काफी हद तक बढ़ा चुका था। बदले में जब भारत ने भी आर्टिलरी गन और कुछ भारी हथियार सिस्टम अपनी सुरक्षा में लगाए तो चीन का मानो दम निकल गया। कहने लगा कि बातचीत से समाधान निकल सकता है, लेकिन समाधान निकलता दिखाई नहीं दे रहा। अब तय चीन को करना है कि वो अपने सैनिकों को पीछे हटाएगा या नहीं, क्योंकि उसके पास अब कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं रह गया है। भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी जब तक चीनी सैनिक पीछे नहीं हटते। चीनी सैनिकों के हटते ही हम पीछे लौट जाएंगे, ये साफ लफ्जों में भारतीय सेना ने चीन को समझा दिया है।